यहाँ हमारे घर की माँ बहन के लिए प्राइवेसी तक नहीं है। यहाँ बच्चा पैदा करते लेकिन उनको भी प्राइवेसी नहीं है। ये कौन सा जहन्नम में हम आ गया ये देखने में है। मैं खुद हैरान होते जा रहे हैं। ये किसके ऊपर अपील करेंगे? प्रधानमंत्री जी से ना, और किससे अपील करने का मतलब? मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के इनके प्रधानमंत्री हैं। इन्हें नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए? उनके विवेक पर छोड़ता हूँ। पूरे देश और दुनिया में घूम रहे हैं, पूरे देश में होर्डिंग लगा रखी हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वो दिखाई देंगे, और जहाँ जहाँ तनाव होगा वहाँ वो मौन रहेंगे। यारे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ा लिखा बंद हो चुके हैं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, ना कुछ शांति, ना कोई खेती, ना कोई भविष्य, कुछ नहीं है। यहाँ लोगों के अंदर मायूसी और हताशा छाए हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ हमारे घर की माँ बहन के लिए प्राइवेसी तक नहीं है। यहाँ बच्चा पैदा करते लेकिन उनको भी प्राइवेसी नहीं है। ये कौन सा जहन्नम में हम आ गया ये देखने में है। मैं खुद हैरान होते जा रहे हैं। बड़ा बुरा लग रहा है, और क्या पता है। बच्चे हमारे घर की बच्चे लोग कितना परेशान है, खुद देखो। आपके दौरे को फोटो अपॉर्चुनिटी भी कहा जा रहा है, किसको अगर जो मन चाहे कह सकते हैं। जमीन पे जैसा दिल्ली में बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सामान्य जीवन शुरुआत हो चुकी है और हिंसा जमीन पर अब नहीं होगी, वो तमाम बातें खोखली साबित हुई हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करके, उनकी बात समझकर, उनकी पीड़ाओं को देखते हुए महसूस होता है अभी समय लगेगा। और ख़ास तौर से जब हम, क्योंकि रिलीफ कैंप में जो मानवीय स्थिति है, जो एक भय है और वो दिखता है, बहुत पैल्पेबल है, बहुत रियल है वो भय। मैं पूछ रहा हूँ लोगों से, क्या आपने जाके देखा है दोबारा अपने घर को, जिस गाँव को आप छोड़ के आए हो, वहाँ क्या हो रहा है? हमारी हिम्मत नहीं बनती। तो वापिस इनका विस्थापन कैसे हो पाएगा, कब तक हो पाएगा? अब 2 महीने से 2.5 महीने से जो लोग यहाँ कैंपों में रह रहे हैं, ना तो अपना वो खाना बना सकते हैं, ना अपने बच्चों की ठीक ठाक परवरिश हो पा रही है, ना स्कूल तो बंद ही है, स्कूल में ही रह रहे हैं लोग, ना घर के बड़ों की परवरिश हो पा रही है प्रॉपर, जो देखभाल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कितने दिन और ये लोग रहेंगे ऐसे इन हालातों में, तो सरकार को आगे आना होगा, जवाब देना होगा। सदन की कार्रवाई में हम इन चीजों को रखेंगे। आप आए हैं तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो उनके नेता मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि फोटो ऑप चल रहा है। नहीं तो उनको कौन रोक रहा है? पूरे देश और दुनिया में घूम रहे हैं, पूरे देश में होर्डिंग लगा रखी है। जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वो दिखाई देंगे, और जहाँ जहाँ तनाव होगा वहाँ वो मौन रहेंगे। देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही है। मैं दूसरी बारी आई हूँ तो लोग पीड़ित हैं और सोच रहे कि हम घर कब वापस जाएंगे। देखिए कितने बच्चे हैं आज यहाँ पर, इतने सारे बच्चे अगर बेघर हो गए हैं तो इनसे हमारा मिलना जरूरी था। दुख यही है कि भारत सरकार को डेलीगेशन भेजना चाहिए था, उन्होंने मना कर दिया, इसलिए इंडिया अलायंस के जितने पार्टीज हैं उनके सांसद यहाँ आए हैं। जो जिन लोगों से मिला हमने, सबको यही बात कह रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। हिंदुस्तान या इंडिया ना, उसका विशाल हृदय, सरकारें आती जाती हैं। हमने सिर्फ इनसे कहा, थोड़ा सुना और कहा कि सब ठीक होगा। हम लोग तमाम कोशिश कर रहे हैं एक हालात बेहतर हो, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अलावा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के अलावा मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमने सिर्फ इनको ये भरोसा दिलाया है कि आप ये मत सोचो कि यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर। हम सब एक साइकोलॉजिकल हीलिंग चाहते हैं। आज हमारी एक छोटी सी कोशिश उसी दिशा में है, कितनी कामयाब होगी मैं नहीं जानता। ये किसके अपील करेंगे? प्रधानमंत्री जी से ना, और किससे अपील करने का मतलब? मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के इनके प्रधानमंत्री हैं। इन्हें नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए? उनके विवेक पर छोड़ता हूँ। रियली सैड टू सी पीपल फोर्स टू अबैंडन देयर होम्स
and travel 40-50 kilometers by, you know, they had to practically run for safety, and they come here, and there more than 900 people are housed here, and basically the help comes for to support them from, you know, common people, and the government is not doing enough. And it's really sad to see that they've left their land, they've left their homes, and the children, women, you know, having to be here. I hope the Prime Minister speaks about it, because he speaks about, he visits area, places when there is a flood and other issues, but they don't seem to, you know, reach out to people who are torn apart by conflict. अभी फिगर बराबर नहीं मिल रही. उन्होंने कहा कि कुछ 500-600 लोग, उसमें से कुछ प्रेग्नेंट वुमन आर देयर इनसाइड, कुछ लोग बाहर हैं. अभी बच्चे भी दिख रहे हैं, महिलाएं दिख रही हैं, जेंट्स भी दिख रहे हैं. अब खास करके मुझे इनसे वेदना ज्यादा है, क्योंकि ये मेडिकल में पढ़ रही है. यू आर स्टडिंग इन साइंस ना? बट कम कम विच जूलॉजी जूलॉजी शी वॉज स्टडिंग जूलॉजी वो देर शी इज डूइंग मास्टर्स शी इज डूइंग मास्टर. अब ऐसी स्थिति में जो सब यहाँ आए हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का प्रॉब्लम हुआ है, और वहां अभी इनको जानकारी मिल रही है कि वहां कॉलेज शुरू हो रहा है. आई थिंक आदरणीय गवर्नर मैडम भी आई थी कल, हम उनसे भी मिलेंगे. बच्चों के करियर का ये विषय है, वहां जात पात धर्म पात कुछ नहीं आना चाहिए. वहां बच्चों के एजुकेशन के बारे में सरकार जल्द से जल्द कदम उठानी चाहिए, और हम इसके लिए पार्लियामेंट में भी एग्रेसिव रहेंगे, और कल माननीय राज्यपाल जी से बात करेंगे. ये बहुत देर हुई है, इट्स वेरी लेट. देखिए अभी भी हम लोग कैंप में हैं, इससे साफ साफ जाहिर है कि उनका विश्वास सरकार पे नहीं है कि वो अपने घर वापस जा पाए. अगर सरकार का कहना यह है कि शांति आ गई है, तो कैंप क्यों खुले हैं? इस जिले में ही हमने जो पता किया, लगभग 300 कैंप है, लगभग 15,000 लोग हैं. तो अगर सब कुछ संतुलन में आ गया है, सब कुछ पहले जैसा हो गया है, तो कैंप अभी भी क्यों है? लोग कैंप में क्यों हैं?